हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बाली उजला से जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर वेजियस पोस्ट इन FSSAI। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में और जानेंगे एलिजिबिलिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास से जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पे जो है मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये FSSAI की तरफ से आया है, तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन थोड़ा बता देता हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स मैं पहले मेंशन कर लेते हैं। तो वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस ऑल एंटीमेशन चार्ज 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर से ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 12 नवंबर 2021 है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी इन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12 नवंबर 2021 है। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज वन की, वो जो है आपको FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा CBT स्टेज टू की भी जो डेट है वो आपको FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट की, तो देखिए ने आप पोस्ट मेंशन कर रखी है फूड एनालिस्ट टेक्निकल ऑफिसर, साथ ही साथ पे लेवल उन्होंने मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वो भी उन्होंने मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, फूड एनालिस्ट में आपका पे लेवल 10 रहेगा और जो एज लिमिट रहेगी वो 35 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जनरल 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर 1, SC 1, EWS 1, SC टेक्निकल ऑफिसर, सेंटर फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड 2। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे टोटल जो 233 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। इंटीमेशन चार्जेस 500, तो टोटल आपको यहाँ पे 1500 फीस जो है वो जनरल OBC कैटेगरी वालों को फिल पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपके SC ST EWS वुमन या एक्स सर्विस में या PWBD कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन उन्हें इंटीमेशन चार्ज जो है 500 रुपीज़ वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो हमने ऑलरेडी आई थिंक पे स्केल भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि पे लेवल क्या क्या मिलेगा आपको। तो डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट पे लेवल है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो अगर फूड एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होगा। रिटर्न टेस्ट 85% मार्क्स रहेंगे, वेटेज रहेगा मार्क्स का। इंटरव्यू 15%। वहीं टेक्निकल ऑफिसर, सेंटर फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, IT, हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर तक जो है आपका CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 यानी 2 स्टेज रहेंगी। यहाँ पे आपका जो है कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये वेटेज रहेगा आपके मार्क्स का, वो CBT स्टेज 1 का 50%, CBT स्टेज 2 का 50%। ठीक है, इसके अलावा बाकी हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पे आपका जो है सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेज 1, स्टेज 2 यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंगल ही आपका स्टेज 1 ही रहेगा CBT बेस्ड टेस्ट, और उसका जो वेटेज रहेगा वो 100% रहेगा। ठीक है, अब बात करें कैंडिडेट्स की स्टेज 2 में शॉर्टलिस्ट करने की, तो वो रेशियो रहेगा 1:20 और इंटरव्यू में रहेगा 1:5। ठीक है, तो ये सब चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो ये भी आप जो है डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पी कैटेगरी और PWBD के लिए भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन देख रख रखा है। तो भाई अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इसके लिए भी लाइक देख सकते हैं। ठीक है, आपका रिजर्वेशन में क्या क्या आपको सीट्स मिल रही है। तो अगर बात करें यहाँ पे नेम पोस्ट की, तो फूड एनालिस्ट में आपको जो पोस्ट आइडेंटिफाई दी जाएगी वो आपका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, क्योर ड्वार्फिज्म, ACD। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ये उनके लिए, अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप फूड एनालिस्ट में इनकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है PWBD कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज जो है आपका नॉर्मली जो भी पोस्ट दी जाएगी वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अब बात करें अगर एज लिमिट की, तो यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का। वहीं अगर आप पर्सन विथ PWBD अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 10 ईयर्स का। PWBD प्लस SC ST 15 ईयर्स, PWBD प्लस OBC 13 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस
इसके अलावा विडो या डाइवोर्सी अगर आप हैं या वुमेन डिवोर्सी का सेपरेटेड हैं तो वो 35 ईयर्स ऑफ एज तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं विडो डाइवोर्सी अगर एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 ईयर्स ऑफ एज तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो नेम ऑफ द पोस्ट फूड एनालिस्ट के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और फूड केमिस्ट्री फूड एंड न्यूट्रिशन और बैचलर ऑफ बीटेक आपका डेयरी और ऑयल इन डिग्री और डिग्री इन वेटरनरी साइंस में होना चाहिए। तो ये अगर आपके क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखिए डिजायरेबल जो पोस्ट है डिजायरेबल थिंग है वो है अगर आपने गेट या सीएसआई क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे सेवली जो है वो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट को निकाला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप इधर उस लाइक एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। बिना एलिजिबिलिटी चेक करे आप जो है फॉर्म को फिलअप ना करिएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की सीबीटी स्टेज वन और रिटन टेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जितने भी लाइक के सिटीज है मोस्टली सब जगह जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम सीबीटी वन और रिटन टेस्ट रहेगा। वहीं बात करें इस एग्जामिनेशन सेंटर फॉर सीबीटी स्टेज टू का, तो यहाँ पे जो सेंटर वो ऑलमोस्ट थोड़ा 50% डिक्रीज कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है स्टेज टू का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 24 सेंटर है। वहीं अगर बात करें सीबीटी वन का तो 103 सेंटर है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 24 सेंटर्स है सीबीटी स्टेज टू के लिए। सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा DI-04/2021 या आप जो है FSI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो सिलेबस पर ईच लाइक सब्जेक्ट के लिए आप जो है ईच पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है SC ST OBC सर्टिफिकेट कैसे आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए तभी जो है आपको यहाँ पे जो है रिजर्व क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसीलिए जितना हो सके तो आपका रिजर्व लाइक आपका रिसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे जो कवर कर लिए। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। ये आप जो भी OBC सर्टिफिकेट जो बनवा रहे हैं वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जरूर देख लीजिए बनाने से पहले। ठीक है, लाइन अप्लाई करने से पहले अगर आपका हो जाता है तो आप ये सब चीज़ें जरूर बनवा के रख लें ताकि अगर आपका आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप तुरंत उन्हें दिखा पाएं और आप अपनी कैटेगरी में जो है वो जॉब ले लें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।